सुजानगढ़ के भोजलाई पास में स्थित शमशान घाट के सामने जमा हुए पानी की निकासी की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद जय श्री दादीश के नेतृत्व में भाजपा पार्षद शमशान घाट के गेट पर धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना नगर परिषद प्रशासन को मिली तब आयुक्त सोहनलाल ने मौके पर नगर परिषद के सफाई निरीक्षक कलजीत सिंह, मुनालाल मीणा आदि को कर्मचारियों के साथ भेजा और एक जनरेटर सेट व गुल्ली मशीनों के जरिए पानी की निकासी शुरू करवाई गई। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जय श्री दादीश ने कहा है कि पवित्र धार्मिक संस्कारों में से एक अंतिम संस्कार होता है और जब अंतिम संस्कार के लिए लोग यहाँ पर आते हैं तो उन्हें कीचड़ में से होकर निकलना पड़ता है, इसलिए समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। बीजेपी नेता कमल दादीश ने कहा कि भोजलाई वास में शमशान घाट और कब्रिस्तान जाने वाले रास्तों पर पानी भरा है और लोग परेशान हो रहे हैं। रात से लगातार नगर परिषद को अवगत करवा रहे हैं, फिर भी समाधान नहीं हुआ, मजबूरन उन्हें धरना देना पड़ा। धरने पर भाजपा पार्षद हरिओम खोड़, मनोज पारिक, रविंद्र पांडे, पुरुषोत्तम गणेश मंडावरिया, प्रेम स्वामी, राजकुमार पारिक, कपिल पारिक, आशीष चोटिया, बजरंगलाल प्रजापत, वेद प्रकाश जांगिड़, भीकम चंद पारिक, शिव प्रकाश चौहान, सांवरमल, जगदीश जांगिड़, जीवनी देवी प्रजापत, भावना स्वामी, मंजू जांगिड़, शांति देवी, देवकी प्रजापत सहित अनेक मोहल्लेवासी भी मौजूद रहे। बारिश के दौरान चापटिया तलाई का पानी ओवरफ्लो होने के कारण शमशान घाट व कब्रिस्तान के सामने पानी भर जाता है, जिससे मोहल्लेवासी तो परेशान होते हैं लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। बुधवार को धरने के दौरान भी एक अंतिम शव यात्रा आई और लोगों को भरे पानी से होकर निकलना पड़ा। दूसरी ओर पास में गौशाला, शिवालय, स्कूल आदि संस्थान होने के कारण लोगों और विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आपको बता दें गत विधानसभा चुनाव के दौरान इसी चापटिया तलाई की समस्या के समाधान की मांग को लेकर सांड चौक में चुनावी सभा में भी काफ़ी हंगामा हुआ था। तब सांड चौक में मीटिंग के दौरान पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी हुई थी, जिस पर सांसद राहुल कसवा ने आम लोगों से समझाइश करते हुए वादा किया था कि चुनाव की आचार संहिता हटते ही 15 लाख रुपए इस चापटिया तलाई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मैं प्रदान कर दूंगा, लेकिन न तो वो 15 लाख रुपए आए हैं और न ही समाधान हुआ है। इसे साफ जाहिर है कि समस्या का स्थायी समाधान होना तो दूर की बात, कांग्रेस की नगर परिषद और भाजपा के सांसद के बीच भी कम्युनिकेशन गैप काम कर रहा है, जिसके कारण आम लोगों को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा कल 10 बार फोन कर दिए जाने पर भी यहाँ सुनवाई नहीं हुई है। बारिश का पानी ज्यों का त्यों यहाँ पड़ा है, 2-2 फुट पानी, 3-3 फुट पानी से अभी यहाँ अंतिम यात्रा आने वाली है। हमने इसीलिए पहले से ही उनको अवगत करवा दिया था कि कल उस यात्रा से पहले पहले ये काम पूरा हो जाना चाहिए, ये पानी की निकासी उचित रूप से करवा दें, लेकिन इस बारे में किसी ने सुनवाई नहीं की है। मजबूरन हमें आज सब पार्षद गणों को यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा है, क्योंकि धर्म के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अंतिम यात्रा शुद्ध पवित्र काम होते हैं, सब शुद्ध स्नान करके आएंगे और इस गंदे नाले के पानी में से निकल कर आएंगे, तो ये कहाँ तक का न्याय है? नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा बिल्कुल भी यहाँ कार्यवाही नहीं की गई है। हमारी सबसे प्रमुख मांग यही है, हमारे वार्ड नंबर 49 भोजलाई बास के अंदर कब्रिस्तान शमशान घाट दोनों यहाँ पे स्थित है, तो कब्रिस्तान हो चाहे शमशान घाट हो, ये पवित्र काम है। यहाँ पे लोग चाहे मैयत में जाओ, चाहे अंतिम यात्रा में सब यात्रा के साथ आओ, पवित्र काम है। पवित्र काम के साथ खिलवाड़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। कल इनको 10 बार अवगत करा चुके हैं कि घुटनों तक के पानी के अंदर अंतिम संस्कार कैसे होगा। हमारे वार्ड के जो डीलर है, कल एक्सपायर हुए शेखर जी, उनकी अंतिम यात्रा अभी आने वाली है। पास में ही यहाँ पे कब्रिस्तान है, उसमें भी घुटने तक पानी है। तो सभापति जी, आप होश में आओ, कम से कम इस तरह के कार्यों के तो आप प्रायोरिटी पे लेके उनका तुरंत निस्तारण करवाओ। हमारी कमिश्नर साहब से बात हो गई, एसडीएम साहब से बात हो गई, इनको भी पार्षद सभापति प्रतिनिधि इधरी जी उनको भी सूचना दे दी, लेकिन अभी तक कुछ भी यहाँ पे काम नहीं हुआ है। ये काम है वो आपके सामने है, 2.5 फुट 2-2 फुट पानी भरा हुआ है, तो इसकी निकासी कौन करेगा? या तो नगर परिषद हाथ खड़े कर दे तो हम हमारे लेवल पे इसको कार्य को लें, क्योंकि नगर परिषद ने कुछ भी करने से हमारे वार्डों के अंदर स्पष्ट रूप से ये दर्शा रहा है कि मना कर रखा है, क्योंकि 3-3 जनरेटर 1-1 वार्डों में लगे हुए हैं, वो तो उनके लिए उचित है, लेकिन इस वार्ड के अंदर शमशान घाट मौजूद है, कब्रिस्तान मौजूद है, यहाँ पे न तो पंप चल रहा है और न यहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था की गई है ये अस्थाई पानी हटाने के लिए, तो इसके पीछे राज क्या है? या तो ये स्पष्ट कह दे कि हम लोग आपके काम नहीं करेंगे तो हम हमारे दूसरे रास्ते ढूंढें, अन्यथा इनको काम करना पड़ेगा, वरना आप कुर्सी छोड़ो और जनता राज करेगी और आप पछताओगे, लोगों ने आप पे विश्वास करके वोट दिए और आपको सभापति बनाया है। कृपया इस तरह का भेदभाव न करें, और अगर करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपके विरोध आंदोलन खड़ा करेंगे। सेवानियुक्त महोदय के आदेशों से एक डीजल पंप लगा दिया, 4 गुल्ली की मशीन लगा के पानी उठा रहे हैं और पानी को तलाई वाला बन्ना भी लगा दिया, इधर पानी ना आए वापस,
और बार बार बारिश होने के कारण पानी भर रहा है। लगभग 24 घंटे की तरह ही मोटरें पंप चल रहे हैं सारे, और जल्द से जल्द पानी खाली कर देंगे। ये दायित्व बनता है नगर परिषद का। नगर परिषद की जिम्मेदारी है प्रत्येक मोहल्ले के अंदर समस्या का समाधान करें। ये शमशान घाट में हम बैठे हैं, पास में कब्रिस्तान है, शिव जी का मंदिर है, FCA गोडाउन में ये सरकारी बालिका विद्यालय है, वो पूरा मोहल्ला आबादी के अंदर बसा हुआ है। बार बार अधिकारियों को निवेदन करने के बावजूद ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे ये लगता है कि यहाँ के सभापति कमिश्नर काम करना चाहते नहीं, या काम उनसे हो नहीं रहा, क्योंकि अंतिम यात्राएं आने वाली है। पार्षदों को, मोहल्ले वालों, मजबूरन यहाँ बैठना पड़ रहा है। उनको जानकारी है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, यहाँ पे जनरेटर लगना चाहिए। पास में आप देख रहे तालाब भरा पड़ा है, तालाब के अंदर मशीन लगी हुई लेकिन उसको पूरा चलाया नहीं जा रहा। वो पानी अभी निकाला जा रहा है, वापस इस अंदर आ जाएगा। और सुजानगढ़ शहर के कब्रिस्तान और शमशान घाट में बोड़ियाँ और अंतिम यात्रा इसी जगह आती है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ी समस्या है। इसको नगर परिषद अपने हेल पे तुरंत समस्या समाधान करे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप पत्रकार माध्यम के माध्यम से कि सभापति और आयुक्त साहब इस समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान करें, वरना समस्या आपके लिए भी खड़ी हो जाएगी। हम जितने भी मोहल्लेवासी हैं, पार्षद हैं, हम लोग मजबूरन आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप लोग यहाँ से निकलते हैं, आम लोग निकलते हैं, और यहाँ के किसान लोग इस पानी के अंदर से अपने खेती के लिए जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं। कल मेरे घर के पास में करंट से कुत्ता मर गया था, उससे पहले भी सांड मर गया था। खंभों के पर बिजली के, टेलीफोन के, एडिसों के तार जाल भी है। नगर परिषद के दायित्व बनता है इस समस्या से समाधान नहीं हुआ। नगर परिषद।